नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबाड़ी बहनों का पोषण ट्रैकर ऐप की एक नई वीडियो में। तो जैसा कि हमने कल के ही अपडेट में जो 14.9 का अपडेट आया था, जिसमें कि चार ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में जानकारी दिया था, तो उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जो थी वो आंगनबाड़ी केंद्र खोलने और बंद करने के संबंध में एक अपडेट आया था, जिसमें कि 7 बजे से लेकर और 00 का जो टाइमिंग था तो उसको लेकर आंगनबाड़ी बहनों के मन में कन्फ्यूज़न चल रहा है कि कितने बजे से लेके कितने बजे तक आंगनबाड़ी केंद्र को खोलना है और उसमें काम करना है। तो इस संबंध में आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं और भी बहुत कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जो पोषण ट्रैकर ऐप में बदलाव किए गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा और अगर आज की ये वीडियो पसंद आएगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो देखिए, अगर आप लोग 14.9 का अपडेट कर चुके होंगे तो आप लोग सुबह में जब पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करते होंगे या करेंगे तो आप लोगों को इस प्रकार से मैसेज देखने को मिलेगा, ऐप नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट। और यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज और आपको देखने को मिलेगा, पोषण ट्रैकर ऐप इज़ नॉट अवेलेबल फ्रॉम 12 AM टू 7 AM, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। यानी कि आप लोगों का जो पोषण ट्रैकर ऐप है वो सुबह में काम नहीं करेगा 12 बजे से लेकर 7 बजे तक, और 7 बजे के बाद आप लोग रात के 12 बजे तक अपना जो पोषण ट्रैकर ऐप का काम है उसको आप लोग ईजिली कर पाएंगे। तो इस प्रकार के जो कन्फ्यूज़न थे वो आंगनबाड़ी बहनों को हो रही थी, तो इसमें आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा कैसे इसमें काम करना है। तो चलिए अब हम एक प्रॉब्लम के बारे में और जान लेते हैं जो पोषण ट्रैकर ऐप में फिलहाल आंगनबाड़ी सेविकाओं को हो रही है। जैसे कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो बैक वाला बटन है, यानी किसी भी कैटेगरी को ओपन करने के बाद जो फ़ोन का बैक स्पेस है, यानी कि वहां से जो बैक करने का ऑप्शन दिया रहता है वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका पोषण ट्रैकर ऐप बैक नहीं हो पाता है। इस प्रकार से देख सकते हैं, हम यहाँ पर क्लिक करके दिखा रहे हैं लेकिन यहाँ से बैक नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग एरो के निशान पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पोषण ट्रैकर ऐप बैक हो जाएगा, और यहाँ से लोग बैक करेंगे तो आपका यहां से बैक नहीं होगा। डायरेक्टली आप लोग सीधे बीच वाले ऑप्शन से यहां से डायरेक्टली काट सकते हैं लेकिन वहां से बैक नहीं हो पा रहा है। यह प्रॉब्लम जो है आप लोगों को 14.8 से ही देखने को मिल रही है, लेकिन 14.9 का जो अपडेट आया है उसमें यहां पे आपकी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाई है। बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनों का इस प्रकार से कमेंट आ रहा था, तो देखिए इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है अभी ठीक नहीं हुई है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे पोषण ट्रैकर ऐप जो है वो 12 बजे से 7 बजे तक काम नहीं कर रहा है। तो उस समय क्या हो रहा है कि पोषण ट्रैकर ऐप पे कुछ काम चल रहा है जिसमें कि कुछ नए नए अपडेट भी आ सकते हैं, और ये जो प्रॉब्लम आप लोगों को बैक स्पेस वाली हो रही है तो नेक्स्ट अपडेट में ये भी प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस छोटी सी वीडियो से आपको ये जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।